हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी क्रिकेट में और आपके साथ मैं हूं आदर्श दीक्षित। आईपीएल सीजन 17 में आज चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मैच होगा। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल पॉइंट्स टेबल में फिलहाल चौथे नंबर पर है और आज का मुकाबला चेन्नई के लिए जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि सामने भले ही गुजरात की टीम हो जो पॉइंट्स टेबल में सबसे आखिरी पायदान पर है, लेकिन फिर भी जीटी ने अगर आज सीएसके को हरा दिया और उलटफेर कर दिया तो चेन्नई के लिए प्लेऑफ की राह लगभग नामुमकिन हो जाएगी। आज का मैच सीएसके को हर हाल में जीतना होगा। मुकाबला होगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। गुजरात टाइटंस अपने घर में मुकाबला खेलेगी, चेन्नई वर्सेस गुजरात। मुकाबला अहमदाबाद में होगा। इस मुकाबले में अहमदाबाद की जो विकेट है उसका मिजाज क्या रहने वाला है, ग्राउंड के स्टैट्स क्या कहते हैं और अहमदाबाद की विकेट पर चेन्नई सुपर किंग्स का बोलबाला नजर आएगा या गुजरात टाइटंस का, चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्राउंड स्टैट्स के बारे में, फिर आपको बताएंगे कि विकेट का मिजाज कैसा रहता है और यहां पर किस स्पिनर से सावधान रहने की जरूरत है बल्लेबाजों को। तो ग्राउंड स्टैट्स की अगर हम बात करें तो टोटल मैच 32 हुए हैं यहां पर, जिसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 14 मुकाबले जीते हैं और दूसरी पारी में बैटिंग करने वाली टीम ने 18 मुकाबले जीते हैं, यानी यहां पर टारगेट चेस करना थोड़ा सा आसान रहता है। और अगर हम एवरेज फर्स्ट इनिंग के स्कोर की बात करें तो ये है 171 रन, यानी यहां पर पहले पारी जो टीम बैटिंग करती है पहली पारी में उसका जो है टारगेट अगर वो बड़ा रखती है तभी उसके लिए मैच जीतने के आसार बनेंगे। अगर टारगेट छोटा हुआ तो टीम फंस सकती है, क्योंकि ये अहमदाबाद का जो विकेट है यहाँ पर ड्यू आने का भी खतरा रहता है और ये बैटिंग पैराडाइज आमतौर पर माना जाता है कि यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए परिस्थितियां और सिचुएशंस बहुत अनुकूल रहती हैं, बल्लेबाज आसानी से बैटिंग कर सकते हैं। हालांकि विकेट में कई बार पेच होता है, स्पिनर्स को मदद मिलती है, विकेट फंस जाती है। आपने 2023 वनडे वर्ल्ड कप में देखा था कि किस तरीके से भारतीय बल्लेबाज फंस गए थे इस विकेट पर। तो यहां पर कई बार विकेट का मिजाज अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन फिर भी बैटिंग पैराडाइज है। आईपीएल में अब तक अगर हम देखें जितने मुकाबले हुए हैं इसमें तो बैटिंग पैराडाइज ही रही है विकेट, और 171 रन फर्स्ट इनिंग का यहां पर एवरेज स्कोर है। और 2023 में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हाईएस्ट स्कोर बना था 233 रन 3 विकेट के नुकसान पर, यह हाईएस्ट टोटल था जो अहमदाबाद के स्टेडियम में बना था। और इसके अलावा अगर हम देखें इस सीजन की बात करें तो यहां पर इस सीजन में अब तक 5 मुकाबले खेले गए हैं अहमदाबाद के मैदान पर, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने केवल एक मैच जीता है और टारगेट चेस करने वाली टीम ने, यानी दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 4 मुकाबले जीते हैं। तो इस सीजन में तो टारगेट चेस करने वाली टीम का बोलबाला रहा है। तो यहां पर चेन्नई टॉस जीते या गुजरात टाइटंस टॉस जीते, आप टॉस जीतिए और आंख बंद करके फैसला कर लीजिए कि हम टारगेट चेस करेंगे। इनवाइट कीजिए पहले बल्लेबाजी करने के लिए टॉस हारने वाली टीम को, एक आपको टारगेट मिले उस टारगेट को टीम आसानी से चेस कर सकती है। तो इस विकेट पर अगर चेन्नई को देखा जाए, चेन्नई के पास रविंद्र जडेजा हैं और महेश तीक्ष्णा को भी प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है, लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी पर भी जो है सस्पेंस है। तो और वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें राशिद खान स्पिनर हैं, तो स्पिनर्स यहां पर बल्लेबाजों को कई बार फंसाते हैं, बॉल रुक करके आती है, टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बॉल स्लो हो जाती है, कई बार टर्न अनइवन होता है ग्राउंड में, तो इस वजह से बल्लेबाजों को मुश्किलें आती हैं। लेकिन अगर गेम को रीड कर लिया, अगर विकेट पर बल्लेबाज ने नजरें जमा ली और थोड़ा सा शार्पनेस तेजी के साथ बल्लेबाजों ने गेंदबाज को रीड किया तो बल्लेबाजी करना बहुत ही आसान हो जाएगा। राशिद खान के आंकड़े आपको बता दें इस मैदान पर कैसे रहे हैं, क्योंकि राशिद खान से चेन्नई के बल्लेबाजों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। अहमदाबाद में राशिद खान ने 15 मुकाबले खेले हैं, इसमें से उन्होंने 57 ओवर फेंके हैं। अहमदाबाद टोटल मैचों का मैं आपको बता रहा हूं, 57 ओवर करने का उन्हें मौका मिला है, 480 रन उन्होंने इस दौरान खर्चे हैं और 17 विकेट राशिद खान ने चटकाए हैं 15 मैचों में। तो कहीं ना कहीं राशिद खान असरदार साबित होते हैं, इससे ये तो साबित हो रहा है। और अगर हम एवरेज की बात करें राशिद खान के विकेट लेने की, तो 28.24 है एवरेज और यहाँ पर उनका जो इकोनॉमी रेट है वो है 8.42। तो T20 क्रिकेट में 8.42 यानी करीब 8.5 का इकोनॉमी रेट कोई ज़्यादा नहीं होता है, अच्छा है, बेहतर इकोनॉमी रेट है। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम का जैसा मैंने बताया कि पिच में जो है बल्लेबाजों के लिए तो आमतौर पर बड़ा टारगेट बनता है, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजों के लिए भी है
मदद विकेट से गेंदबाजों को भी मिलती है, ऐसा नहीं है कि विकेट सिर्फ बल्लेबाजों को मदद करती है। विकेट थोड़ा सा ट्रिकी है, इसीलिए बल्लेबाज फंस जाते हैं, और ये एक ऐसी विकेट की कि कोई भी विकेट हो दुनिया भर का, अगर विकेट ट्रिकी है, कहीं पर भी अगर बॉल फंस के आ रही है, रुक के आ रही है, तो गेंदबाजों के लिए बहुत कुछ होता है कि वो उस मैच में हासिल कर सकते हैं। तो ऐसा ही अहमदाबाद में भी है, यहाँ की विकेट भी ऐसी है जहाँ पर बॉल फंस के आती है, और इस लिहाज से पहली पारी में नई गेंद से कमाल की गेंदबाजी होती है पहली पारी में। तो जो भी टीम पहले बैटिंग करने उतरे उसे नई बॉल को संभल के खेलना पड़ेगा अहमदाबाद में, और अहमदाबाद की अपनी हिस्ट्री है एक, यहाँ पर टॉस जीत करके आमतौर पर पहले जो है बॉलिंग करना पसंद करती हैं टीमें, टारगेट चेज करने के लिए जाती हैं, और यहाँ टॉस की भूमिका सबसे ज़्यादा अहम होती है, क्योंकि टॉस जो होता है वो कई बार मैच रिजल्ट भी डिसाइड करता है, और ज़्यादातर बार जैसा मैंने आपको बताया इस सीज़न में 5 मुकाबले अहमदाबाद में हुए हैं जिसमें से एक ही बार केवल पहली पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, 4 बार टारगेट चेज करने वाली टीम ने मैच जीते हैं, और वनडे वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया टारगेट चेज कर रहा था फाइनल मुकाबले में। तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ये मुकाबला अहम है, और अगर चेन्नई को प्लेऑफ में पहुंचना है तो उसे आज के मुकाबले में गुजरात को पटखनी देनी होगी, और अगर गुजरात की बात करें तो इस सीज़न में अब गुजरात लगभग प्लेऑफ की रेस से बाहर है। हाँ, गुजरात काम खराब कर सकता है चेन्नई को, अगर वो उलटफेर कर देते हैं और चेन्नई को शिकस्त दे देते हैं। तो ये था अहमदाबाद की नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट का हाल, पिच की अपडेट, विकेट का मिजाज, और विकेट के बारे में जैसा मैंने आपको बता ही दिया है कि विकेट ट्रिकी होगा, संभल करके खेलना पड़ेगा बल्लेबाजों को, और टारगेट चेज करना यहां पर आसान रहता है। तो हमारे इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आप इंडिया टीवी क्रिकेट को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया टीवी क्रिकेट।